नमस्कार। क्लास सिक्स एक्सरसाइज 3.3। इसे शुरू करने से पहले हम सीख रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट और आज हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी देखने के लिए देखिए बच्चों, मान लीजिए हमने एक नंबर लिया 3, 5, 6, 8, 7, 3। हमें देखना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट लेंगे, इसके साथ एक छोड़ के अगला डिजिट लेंगे, फिर एक छोड़ के अगला डिजिट लेंगे, इनको अलग प्लस कर लेंगे। देखो 3, 5 को छोड़ दिया, 6 ले लिया, 8 को छोड़ दिया, 7 ले लिया, आगे है नहीं। तो 3 + 6 + 7 ये आ गया, 3 और 6 9, 9 और 7 16। दूसरी तरफ जो बच गए, 3 के बाद अगला नंबर है 5, इसके साथ एक छोड़कर मैं अगला नंबर ले लूँगा 8, फिर एक छोड़कर मैं अगला नंबर ले लूँगा 3, ठीक है। तो ये लिया 5 + 6 को छोड़ दिया, अगला नंबर लिया 8 + 7 को छोड़ दिया, अगला नंबर लिया 3, इनको प्लस कर दो, 5 और 8 13, 13 और 3 16। ये समझ आया बच्चों? हमने क्या किया, नंबर लिया, पहले पहला नंबर लेकर, पहला डिजिट लेकर दूसरा छोड़ दिया, तीसरा ले लिया, अगला छोड़ दिया, एक छोड़कर हमने यहाँ से पेयर्स बनाए। इसी प्रकार से दूसरे नंबर से शुरू करके अगला छोड़ा, एक नंबर फिर एक छोड़कर अगला, इस प्रकार से पेयर बनाए। नीचे वाले जो पेयर्स हैं इनको अलग प्लस कर लिया, ऊपर वाले जो पेयर्स हैं उनको अलग प्लस कर लिया। देखिए नीचे आए 3 और 6 9, 9 और 7 16, ऊपर वाले पेयर में है 5 और 8 13, 13 और 3 16। बच्चों हमेशा याद रखना, यदि अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये जो सम आया है और ये जो सम आया है इनको माइनस कर दो, 16 में से 16 माइनस कर दो, हमारे पास आ गया है 0। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो माइनस करके आया है, यदि यह है, ये जो माइनस करके आया है यदि यह 0 होगा या 11 के टेबल में आता होगा तो हम कहेंगे यह पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। यदि यहां पे माइनस करके 0 के अलावा या 11 के टेबल के अलावा कोई और नंबर आ गया तो हम कहेंगे यह पूरा नंबर 11 के टेबल में नहीं आता, यह 11 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? एक एग्जांपल और करके देखते हैं बच्चों। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 4, 8, 5, 6, 3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले पहला डिजिट लिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा ले लिया, अगला छोड़ दिया, अगला ले लिया, इनको हम अलग प्लस करेंगे। 4 में प्लस किया 5 में प्लस किया 3, 5 और 4 9 और 3 12। दूसरी तरफ जो पेयर बनेगा वो बनेगा, देखो 4 तो पहले ले चुके थे, दूसरे नंबर से शुरू करेंगे 8, 5 को छोड़ दिया 6, आगे लेने के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि यहाँ तो 3 लिए थे, यहाँ 2 ही लिए, कोई बात नहीं बच्चों, आगे नंबर ही नहीं है तो हम क्या करें, ठीक है, लेना ऐसे ही है। पहला नंबर लिया, दूसरा छोड़ दिया, तीसरा लिया, चौथा छोड़ दिया, पाँचवा लिया इधर, उसके बाद दूसरा लिया, चौथा लिया, छवा नहीं है तो नहीं है, इनको अलग, नीचे वाले पेयर्स को अलग प्लस किया, ऊपर वाले पेयर्स को अलग प्लस किया। अब क्या करना, अगला स्टेप क्या है, इनमें जो भी बड़ा हो उसमें से छोटी संख्या माइनस कर दो। तो बड़ा नंबर है 14, छोटी संख्या है 12, इनको माइनस करना है, 14 में से 12 निकाले 2। तो देखो ये जो 2 है ये ना तो 0 है ना ही 11 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4, 8, 5, 6, 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है बच्चों। ये था, यहाँ 0 आया था तो यहाँ लिख देंगे 3, 5, 6, 8, 7, 3 इज डिविजिबल बाय 11। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको
प्रॉपर लिखना सिखाऊंगा। अभी मेरा पर्पस सिर्फ आपको मेथड सिखाना था कि कैसे हम 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। आशा करता हूँ ये दो एग्जांपल से आपको 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, अच्छा लगना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, समझ आना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा तो फिर हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। यदि आपको समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चों को वीडियो समझ आ रहा है, हम दुगने जोश के साथ और अच्छे वीडियोस बना पाते हैं। धन्यवाद।